आपका नाम बताइए। हेलो, आई एम सुप्रिया सुरेश दरेकर फ्रॉम नवी मुंबई। हाय, दिस इज शीतल फ्रॉम मुंबई घाटकोपर। मैडम, अप्सरा के बारे में हम जानना चाहेंगे, मिस एंड मिसेस अप्सरा इंडिया जो आप कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है और कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ मिस एंड मिसेस अप्सरा 2018। बहुत खुशी हो रही है, ये हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है मिसेस अप्सरा का, तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत एक्साइटमेंट है ये करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों ने कितनी तैयारियां की हैं इसके लिए और अभी आप शो करेंगी तो आगे की क्या तैयारियां हैं आपकी? टू बी ट्रू, ज़्यादा तैयारियां नहीं की है, लेकिन हाँ ये 3 दिन सिर्फ इसी में फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। जी, इसी में फोकस करना है और जी जान लगाकर फोकस करना है, मैडम कुछ अचीव करना है। जो अप्सरा की मतलब इतना बड़ा शो करा रही है उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सी मैम, लिटरली बहुत प्रीटी है एंड शी इज़ गाइडिंग अस इन एवरीथिंग, लाइक हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड शी हैज़ बीन द विनर, सो ऑफकोर्स उनका एक्सपीरियंस हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने करता है। स्मृति मैडम, आपको तो पहले सबसे पहले थैंक यू, अब हमें अप्सरा का मौका दे रही है और हमें अप्सरा बना रही है, ये प्लेटफॉर्म दे रही है, थैंक्स टू यू। आप अप्सरा बन जाएंगी तो क्या करेंगे? विल बी ऑन द क्लाउड 9 बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम। सेम हियर, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ड्रीम है, अप्सरा बन जाऊँ। थैंक यू सो मच। आपका नाम पहले अगर बता दें आपको। हाई, आई एम गौरी वर्मा फ्रॉम खारगढ़। मैडम, आई एम अनु बेनी फ्रॉम मुंबई। क्यों ज्वाइन किया आपने अप्सरा, ये बताइए। मैंने अप्सरा इसलिए ज्वाइन किया, मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, एक कॉर्पोरेट वूमन रही हूँ, 4 साल से सबैटिकल पे हूँ, एंड जब ये 4 साल मैंने होम मेकर की तरह बिताई है ज़िंदगी, तब लगा कि यू नो डिफ़िकल्ट कितनी है एक हाउसवाइफ की लाइफ, एंड मैं एक नॉर्मल एक एवरेज पर्सन हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर लोगों को बताना चाहती हूँ कि वी आर नॉट एवरेज, इफ़ वी वॉट वी ड्रीम वी कैन डू इट, सो दिस प्लेटफॉर्म गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। थैंक यू टू आर ऑर्गेनाइजर्स मैम who gave us that opportunity, to Sir Shekhar sir and Shruti ma'am. So it's like a dream for every woman. Madam, a big thank you to SS Associates and especially Mr. and Mrs. Panchal for creating this platform. I believe that beauty is just not about inner beauty, but also about the outer beauty, and we need to strike a balance. I see this as a platform where a lot of our perceptions about beauty are going to be broken. We are going to set new benchmarks for it, and I also see it as a platform for us to do something good back to the society. I see it that way. अभी आपका dream complete हो रहा है, तो कैसा feel हो रहा है? इस dream complete नहीं, अभी हम still dreamland में हैं. Still we are not out of that dreamland. मतलब उम्मीद नहीं है क्या? नहीं, उम्मीद नहीं. उम्मीद नहीं है कि हम ये प्लेटफॉर्म तक आए, बिकॉज हम एक एवरेज, स्पेशली फॉर होम मेकर्स, हम अपने आप को बहुत एवरेज समझती हैं, लेकिन हम एवरेज नहीं, हम सुपर वूमन हैं। तो ये प्लेटफॉर्म पे अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, फील लाइक आई इट्स स्टिल अ ड्रीम एंड आई वांट दैट ड्रीम टू कंटिन्यू। जी मैम, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, आप पहुँच गए तो क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि सब लोगों ने ट्राई करना चाहिए, हर एक की ज़िंदगी में सुंदर दिखना, सुंदर बनना, सुंदर लगना, ये हर एक को लगता है, और अगर हमको एक चांस मिलता है तो प्लीज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। इतनी सारी सुंदरियों में अगर आपको अप्सरा का ताज मिल गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैं नीचे से उठूंगी, क्योंकि मैं चक्कर आके गिर चुकी होंगी कि मुझे ताज मिला है। एंड मैं हर किसी को ये बताना चाहूंगी कि मैं एक एवरेज हाउस मेकर कर सकती हूँ, तो वी ऑल आर स्टिल सुपीरियर, वी ऑल कैन डू इट, तो वी शुड गिव इट अ ट्राई एंड नेवर अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स। पिटो सेम मैडम के लिए क्या कहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है शो, तो उनके लिए आपके पास क्या वर्ड है? एक्चुअली मेरा ये ब्यूटी पेजेंट में आना एक इंसिडेंट है, मैंने मैम को देखा है, मैंने मैम के बहुत इंटरव्यूज देखे क्लोजली, और उनके साथ बात भी किया बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटी पेजेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो लोग रहते हैं, उनका जो सोच है, उनका जो बिलीफ है, और वो क्या करना चाहते हैं,
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने जब भी उनकी इंटरव्यूज़ देखी या उनसे बात किया, मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी दिखी who wants to do something in life, not only for herself but for a lot of other women. And I really identify myself with her, and that's the reason why I'm here. I'm here not only to win the beauty pageant, also to see the beauty behind it. Thank you. Hi, this is Prajakta Dalvi from Dream City, Mumbai. And I'm Rajeshwari Deepak Patin from Roha, Raigarh. क्या कहेंगे अप्सरा के बारे में? ऑलरेडी आप लग रही हैं अप्सरा की, आप बन सकती हैं. एक्चुअली अगर मैं अप्सरा मतलब बन गई तो मेरे लिए बहुत लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट होगा ये. और मेरा यहाँ सिलेक्ट होना भी मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैं यहाँ सिलेक्ट हो रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये आज फाइनलिस्ट का स्लैश मिला है, क्योंकि ये पहन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ विनर, आई विल बी अ विनर. मैडम से हमने बात किए है, गाइडेंस लिया उन्होंने. आज हमें बहुत अच्छे से मतलब है बताया कि कितना सेकेंड का इंट्रो होना चाहिए, कैसे खड़ा रहना है, कैसे वॉक करना है. सो शी इज़ हेल्पिंग इन दैट. मैम से हमें बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिले हैं, और द वे हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, वो सब कुछ मतलब और भी हमारा इम्प्रूव हो रहा है मैम से. मिसेज अप्सरा आप क्यों बनना चाहती हैं, कोई वजह है या कोई ड्रीम था आपका? मेरा ड्रीम पहले से ही है कि मुझे एक क्राउन चाहिए मेरे सर पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेल्फिशनेस में कहूँगी कि मुझे फेम चाहिए. ठीक है, फेम इसलिए चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर्स बाई हेल्पिंग अदर्स. एंड ये मेरा हमेशा, मैं अभी भी फिलहाल मैं एक चैरिटी के लिए हेल्प कर रही हूँ, बट आई थिंक व्हेन आई गेट अ फेम तो मैं और चैरिटीज़ को हेल्प कर सकती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू डू दैट. एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने और मैंने बहुत बहुत हार्डवर्क किया है मेरा करियर सेट करने के लिए. और मेरा मॉडलिंग करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है. सो मैं जो लोग मुझे और मेरे पेरेंट्स को जो बोलते हैं कि घर पास कर लो, लड़की बड़ी हो रही है, छोड़ दो ये सब, उनको दिखाना है कि लड़की बड़ी हो रही है, उसके साथ उसका नाम भी बड़ा हो रहा है, यही मुझे दिखाना है. कितनी मेहनत की आप लोगों ने अभी तक? अभी तक तो सब कुछ मेहनत नहीं किया है, पर इतना है कि इसमें ये 3 दिन जो है ना, ये पूरा फोकस इसमें ही डालना है. एक्चुअली मैंने मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए. और मैं बहुत मतलब मेरे पेरेंट्स को भी थैंक्स कहूँगी कि मुझे बहुत सपोर्ट किया है. मतलब मैंने आज तक जो भी करना चाहा वो मतलब उन्होंने हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया. मैडम के लिए कोई एक वर्ड आपके? मैंने अभी जब से उनसे मिली हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उनकी, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे से हो रहे, फ्रेंडशिप अच्छे से हो रहे. मतलब उनको मैंने जब से देखा है ना, नहीं जब से वो आए तब से सिर्फ स्माइल, सबको स्माइल ही एकदम मतलब ग्रीट कर रहे. तो वो चीज़ बहुत अच्छे से मैंने सीखी कि हाँ, हर किसी के पास स्माइल करो करके. मैम पहले तो मैं मैम को थैंक्स कहना चाहूँगी, बिकॉज उनके थ्रू हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम मॉडलिंग करियर में हमारा नाम और बढ़ा सके. और सो और वो बहुत बहुत प्रीटी है, एंड मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशंस ली है. मतलब हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, वो सब उन्होंने हमें इंट्रोडक्शंस दिए हैं. सो थैंक यू सो मच मैम. अच्छा, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए, उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे जो मतलब जो लड़कियाँ लकी नहीं है, जिनको मना करते हैं, कोई मैसेज होगा उनके लिए? हाँ, ज़रूर होगा. मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कुछ मतलब कुछ लोग समझते हैं कि लड़कियाँ बोझ होती है, उन्हें ये सब कुछ करना नहीं होता, जस्ट उन्हें बड़ा करो और उसकी शादी करो, बस उतना ही होता है. पर प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है. और जैसे अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, आप उनको सपोर्ट करोगे तो फिर आपका भी नाम रोशन होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही नाम रोशन होगा, या फिर वो शादी करके ससुराल जाएगी तो फिर अपने पति का ही नाम रोशन करेगी. उनके साथ आपका मतलब उसके पेरेंट्स का भी नाम रोशन होगा. तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो और उन्हें उनकी लाइफ जीने दो. सेम, सपोर्ट करो, अपने बच्चों को मत रोको,
क्योंकि उनके जो सपने हैं वो आपसे ही जुड़े हुए रहते हैं. बच्चे आपके लिए सोचते हैं, ये पेरेंट्स का भी कोई कोई गलत नहीं होता क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों का सोच के करते हैं, बट कुछ तक ऐसा रहता है ना कि बच्चे भी पेरेंट्स के लिए सोचते हैं. तो आप दोनों मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करो तो बच्चा भी आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ा के लेके जाएगा. थैंक यू. नाम आपका? माई सेल्फ बिनी गुप्ता एंड आई एम योर इन दिस कॉम्पिटिशन बाय Yes, myself Victoria Sarawa. I'm from Nasik City. कितनी उम्मीदें हैं आपको अक्सरा से? उम्मीदें तो बिल्कुल भी नहीं हैं, because यहाँ पर हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए हैं, but यहाँ पे हम कुछ बहुत कुछ सीखने आए हैं. यहाँ पे स्मृति मैडम ने इतने सारे इवेंट्स रखे हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट और जो वुमेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी के लिए, वो एक सेल्फ डिफेंस, देन टेबल मैनर्स एंड ग्रूमिंग सेशंस, कोरियोग्राफी सेशंस, ये सारे जो सेशंस रखे हैं उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू विनिंग दिस कॉम्पिटिशन. ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से बहुत सारा बहुत कुछ सीख के जाएंगे. ये हमारा मेरा तो पहली बार है. सो वट एवर मिसेस स्मृति पांचाल शी इज़ गोइंग टू गिव अस एनी काइंड ऑफ सेशंस वी विल लर्न एंड विल ट्राई टू गेट द क्राउन. इतनी देर क्यों हुई, मतलब आपने कहा मेरा फर्स्ट टाइम? यस, बचपन से भी थे. हाँ, मेरा बचपन से ये शौक था. जब मैं देखती थी टीवी शोज में देखती थी, फैशन राउंड चल रहा है, कोई रैंप वॉक कर रहा है, मुझे भी ऐसा लगता था कब मैं वो रैंप वॉक करूँ, कब मैं वो क्राउन हासिल करूँ, मेरे सर पे वो जब ताज रहेगा, how I will feel it, then this is the, I think this is the right time for me to get a crown. Thank you. ये मेरा एक बचपन से ही ड्रीम था. अगर सोचने जाए तो when I was in 10th, मैंने मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बताया था और सीधा जाके मैंने एक पोर्टफोलियो शूट करा दिया था. एंड आफ्टर आई गॉट माई पोर्टफोलियो शूट डन, आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट यू नो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू बी. And my parents were like, no, you don't have to get into this industry completely. And after that, then I forced my parents to, you know, okay, if not this, then I can get into something else. Then I told my parents that I want to pursue my, you know, I want to get into this aviation industry. But their parents never, they told me that you should not get into all these things. Do a good job. So then after getting married, my husband, he told me, he motivated me that if you want, get into this pageant. And it's all because of Smriti ma'am that she has encouraged us to get into this platform. आपने कहा आपकी तमन्ना है कि आप क्राउन हासिल करें. Yes. अगर ना हुआ तो आगे कोशिश जारी रहेगी? ज़रूर कोशिश रहेगी. एक मेरा ड्रीम है. I want to see myself top of the world. Madam, of course, अगर suppose मैं pageant नहीं जीती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि my world ends here. I will continue to participate in lot other pageants as well as whatever pageants Smriti ma'am gives. I will definitely come here. स्मृति मैम के लिए कुछ ऐसा बोली जो आपको मिल जाए कैसे भी करके? मैं वैसा नहीं बोलना चाहूँगी. जो मेरा कैलिबर रहेगा, इफ स्मृति मैम थिंक्स दैट आई हैव अ कैलिबर, आई वॉक ग्रेसली, आई टॉक ग्रेसली, आई डू माई कॉन्टेस्ट, यू नो आई विन ऑल माई कॉन्टेस्ट, देन डेफिनेटली आई कैन बी अ विनर. Yes, अगर स्मृति मैम हमें, she's a very good lady and I saw her first time today and when I saw her I didn't recognize her, मगर फिर भी वो वहाँ से बैठी थी और स्माइल कर रही थी. That I liked in her very much. Smile gives you the beauty. So स्मृति मैम
I really thank you and giving me this opportunity, and I'll do my best. Thank you so much. Thank you. Hi, my name is Sangeeta Biswas, and आज इधर हूँ. वो जो पीछे लिखा है ना, जो ब्रांड ब्रांड फेस स्मृति पंचाल, वो देख के हम इंस्पायर्ड हो गए. तो हमेशा सोचते थे आएंगे आएंगे, तो आ चुके हैं. तो उनको खाली ब्यूटी देख के नहीं, खाली मतलब सब कुछ देख के हम लोग इधर आज पहुंच गए फाइनली. मैं हेमलता रवि जितोरी कोल्हापुर से हूँ. क्या कहेंगे आज जो शो करने वाली हैं, इतनी मेहनत चल रही है, तीन दिन हो गए आपको, तो कितना सीखा आपने अभी तक? तीन दिन नहीं, बहुत कुछ सीखा नहीं अभी तक, लेकिन हाँ, जान जी जान लगा दूंगी सीखने के लिए. दिस इज अ चैलेंज फॉर मी. मुझे तो स्मृति मैम जी का इंस्पिरेशन है. उनको देख के, उनकी चाल देख के, इतनी खूबसूरत वुमेन से हम सीख रहे हैं, वो सबसे खुशी की बात है मेरे लिए. एंड शी इज मिसेस एशिया इंटरनेशनल, उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी. आई एम वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच हैप्पी. क्या लगता है आपको, वो ड्रीम, वो सपना आपका पूरा होने वाला है? पता नहीं पूरा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी. मतलब आई एम ऑन द रन. या जरूर होगी. अगर स्मृति मैम हमारे जैसे वुमेन्स को इंस्पिरेशन है, तो जैसे उन्होंने किया है हम भी करेंगे. उनका साथ है तो हम ज़रूर करेंगे, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हम ज़रूर आगे जाएंगे. स्मृति मैम के लिए कुछ बोलूँ? जितना भी बोलूँ वो कम है. स्मृति मैम एंड शेखर सर दोनों, पहले जब भी मतलब फ़ोन किया था उनको, उनका जो बिहेवियर था वो ऑसम था. तो अभी जितना भी बोलूँ कम है, दे आर बेस्ट. आप स्मृति मैम के लिए कोई वर्ड आपके पास है? द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन, द मोस्ट अप्रिशिएबल, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बोथ. थैंक यू सो मच. जी मैम, नाम जानना चाहेंगे? मैं नीतू ओझा, मुंबई वासी से. आई एम तनुश्री सोमदास फ्रॉम पुणे. क्या कहेंगे आप शो में, मतलब क्यों आ पाई, क्या ड्रीम था आपका, क्या सपना था आने का? ड्रीम मेरा बचपन से ही था मॉडलिंग एक्टिंग. जब मैं देखती थी टीवी में तो मुझे लगता था कि मैं वो कब करूँगी. लेकिन जब 16 की थी तभी मेरी शादी हो गई थी, तो लग रहा था कि सारे सपने अभी टूट गए हैं. लेकिन फिर 8-9 साल ऐसे ही निकल गए, मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी. और अब जब ये मुझे मिला प्लेटफॉर्म कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, तो मुझे ये मौका लगा कि मैं खोना नहीं चाहती इसे. फिर से वो ही बचपन के जो सपने थे उन्हें जीना चाहती हूँ. या ऑफ कोर्स ये भी मेरा ड्रीम ही था, जैसे सब हर लड़की का होता है बचपन से. बट वो कहते हैं ना, सपना देखता हर कोई है, बस उसको साकार करने का जो मतलब जो उनमें हिम्मत होनी चाहिए वो सब में नहीं होता. तो आज मैं अगर यहाँ हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट जो है मेरे हस्बैंड को मैं देती हूँ, और मेरे फैमिली मतलब इन लॉज जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं. बिकॉज हस्बैंड के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि सपने में देख रही थी पूरा करने का, मेरे पे वो हिम्मत नहीं था कभी भी नहीं. बचपन में क्यों नहीं हुआ सपना पूरा, जब पूरे सपोर्ट करते थे फैमिली भी? ये आपने नहीं किया, क्या वजह थी कि जो आज आपने भाग लिया है और आज आप देखिए? बिफोर मैरिज क्या होता है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियों के लिए आफ्टर मैरिज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे, बट जब शादी से पहले या बचपन मैंने जब सपना देखा, वो मैं छोटे शहर से हूँ, होम टाउन मेरा जमशेदपुर झारखंड है, जहाँ पे यहाँ इसको बहुत ही इसका कम है. बट मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज़्यादा इसीलिए मानती हूँ क्योंकि वो भी मेरे शहर से है, और जब जब मैं उनको फॉलो करती हूँ ना, तो मुझे ये ड्रीम्स जो मैं देखती हूँ उसको पूरा करने का मतलब मुझ में एक अलग सा एनर्जी आता है कि मुझे भी करना है. अगर वो कर सकती है सेम सिटी से, तो मैं क्यों नहीं कर सकती. जैसे मैंने आपको बताया कि सपने में बचपन से यही देख रही थी, लेकिन कुछ ऐसे हो गए रीजंस जिससे शादी हो गई, और फिर छोटा सा राजस्थान में छोटा सा गांव जहाँ पे स्कूल भी आई थिंक 10th तक ही है अभी भी,
तो ये सब पॉसिबल नहीं था कुछ भी. और बिफोर 8 ईयर्स मैं मुंबई में हूँ और अभी मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मुझे लगा कि मैं ये सपने पूरे कर सकती हूँ और ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैं यहाँ आई नहीं. अगर मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता और मैं मुंबई में नहीं होती तो शायद यहाँ पे नहीं आ पाती. यहाँ पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जैसे आपसे कुछ लोग अगर सीखना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं ये कर सकती हूँ, मतलब मेरा मैं बता रही हूँ, छोटा सा गाँव है जहाँ पे नदी से पानी लाते हैं लोग, आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं. तो मैं ये कर सकती हूँ यहाँ पे आके. अभी मैंने सपने जब देखे थे वो मैंने छोड़े नहीं उन सपनों को, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर सपने मर जाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं लेकिन रूह मर जाती है हमारी. तो सपने देखना मत छोड़ो कभी भी, सपनों को अपने साथ जिंदा रखो. सेम मैं मैसेज देना चाहूँगी छोटे शहर के लड़कियों को जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स एंड डिज़ायर होते हैं, जो सिर्फ उनके फैमिली की कंजर्वेटिव जो मेंटालिटी होती है उनके चलते वो आगे नहीं बढ़ते हैं या अपने सपनों को दबा देते हैं. मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगी कि सपनों को दबने मत दो, प्लीज़ गो अहेड एंड यू कैन डू इट. अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन विन. बॉम्बे आने के बाद आपको इसका फ़ायदा मिला कि आप झारखंड से ही सोच रही थी कि मैं जाऊँगी तो यहाँ? जैसा मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से ही सपने देखती हूँ, लेकिन सपना देखना अलग होता है, उसको पूरा करना अलग होता है. तो जब मैं पुणे आई आफ्टर मैरिज, तो जब मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहा है और जब मैं एक देख रही हूँ कि मिसेस स्मृति पांचा जो अब ऐसी ऊँचाई में है आफ्टर मैरिज, तो फिर मैं अपने पैर नहीं रो सकती. आई ऑल्सो कैन डू इट. मैडम के लिए कोई एक मैसेज जो इतना अच्छा काम कर रही है? या ऑफकोर्स मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं यहाँ पे आऊँगी या मुझे यहाँ पे आने का मौका मिलेगा कभी अपनी लाइफ में अपने सपनों को जी पाऊँगी. थैंक यू सो मच स्मृति मैम एंड सर कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हम जैसे लोगों को. और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने मैम का नेचर देखा है, सबसे इतना मिलजुल के हंसना और इनकी मतलब चेहरे से स्माइल तो हटने का नाम ही नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ मैं कब ऐसे बनूँ, मतलब थोड़ा सा जब ऐसे होता है ना तो मैं ऐसे हो जाती हूँ एकदम लेजी सी, तो मुझे मैम के जैसे बनना है. या स्मृति मैम के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात वो बहुत डाउन टू अर्थ है. अभी जिस मुकाम में वो अभी है उनको मतलब इतना डाउन टू अर्थ देखना. और दूसरी बात ये है ना, मेरा हस्बैंड मुझे डांटता है कि प्लीज़ स्मृति मैम जैसे बनो, देखो कैसी मेंटेन करती है, कितनी ब्यूटीफुल है, कहाँ है आज. सो मुझे वो सिखाता है कि उनके जैसे बनो. एंड या वो भी एक मतलब मेरी आइडल है, मेरी ऐसी कोई आइडल नहीं है, रोल मॉडल भी नहीं है, बट अगर वो कुछ अच्छा कर रही है मैं उनसे सीखूंगी ज़रूर. तो थैंक्स मोती मैम, थैंक यू सो मच. और उनकी स्माइली फेस आई लव दैट, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ. थैंक यू. नाम आपका? हाय आई एम मानिया भट्टाचार्य फ्रॉम बैंगलोर. हाय आई एम भावना दवे फ्रॉम गुजरात. बैंगलोर गुजरात से आने का मकसद कुछ जानना चाहूँगा. Yeah, the invisible crown was always on my head and walking the ramp was always on my imagination, but didn't come true because of many reasons. But I just chased the dream and yes, today I'm here on this prestigious platform. And of course, Smriti ma'am and Mr. Shekhar Panchal, the both of them has done a beautiful job and they have given us such a beautiful platform for all the ladies who had some dream. And yes, it's a beautiful experience and a lifetime experience, I can say that. They have given to us. Same here. Young age का जो dream हम complete नहीं कर पा रहे उसके लिए स्मृति मैम ने बहुत ही अच्छा platform दिया है. और because of I am Gujarati family, तो जो conservative family रहती वैसी थी, जो dream से हो as usual parents ना बोलते थे, तो यहाँ बहुत ही अच्छा platform मिला है. because of all credit goes to my husband. तो क्या वजह रही जो आप अब अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रहे हैं, पहले नहीं उठा पाए? Well, my father actually, was very strict, not my mother, I should say. And like one incident happened, like when I was just in class 9, I went for the Bengali movie shooting. I was in the second lead role. And unfortunately, for my bad luck, that day the shooting got cancelled and it was done for the next day. When I came back home, I saw my mother standing with a stick and asking me, who gave you the permission to go for the shooting? And this is your high time to concentrate on your studies. And next day when the car came to fetch me, my father declined them. So that was very disappointing moment for me. And that was the reason I never could pursue my dream. And yes, after getting married, my husband was very much supportive. And like my dream became his dream. And yes, today I'm here because of
Mrs. Panchal and Mr. Panchal. They gave us a beautiful platform, and yes, I think I can pursue my dream now. सेम ही है. पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, अलाउ नहीं करते थे. करना चाहती थी मॉडलिंग. और सेम शादी के बाद हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, ही इज़ वेरी गुड नेचर, तो उन्होंने अलाउ किया और चांस भी मिल गया. जिनके हस्बैंड अच्छे हैं तो हम कुछ मैसेज दे दो आपको. जो लोग हस्बैंड होने के बाद अपनी वाइफ के साथ अत्याचार बहुत करते हैं, तो उनको कोई मैसेज, आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं तो And please respect the woman and just respect their dreams, have some belief in themselves. And yes, that and I think they are also, we women are wonderful. And I think after flowers, God has gifted woman to the world. So I think, yes, the husband should respect. Sanman dijiye apni wife ko. और उन्हें जो करना है उनके लिए एक मौका दीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए. उनमें जो क्रिएटिविटी है और वो जो आगे करना चाहते हैं, बहुत सारी गर्ल्स या लेडीज़ हैं जिनके सपने शादी से पहले कंप्लीट नहीं हो पाते हैं. तो मैं कहना चाहती हूँ उन सारे हस्बैंड को कि उन्हें चांस दीजिए, एक मौका दीजिए. अगर स्मृति पंचाल जी ने आपको क्राउन दे दिए तो आप क्या करने वाली हैं? I think first of all I'll close my eyes and then I'll just remember the God and I'll be thankful to him first, and then of course then I think Mrs. Smriti Panchal's name will come to my mind to thank her and her husband, of course, to Mr. Shekhar Panchal. So my first move will be like that. मैं भी पहले सबसे पहले तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी और ताज को लॉकर में जाके रखूँगी बैंक के. थैंक यू. माय सेल्फ शीतल जाधव, आई एम फ्रॉम पुणे. मैडम आप? माय नेम इज भाग्यश्री तोंडलेकर एंड आई एम फ्रॉम कल्याण. आई एम संगीता सिन्हा फ्रॉम कोलकाता. दो महाराष्ट्र एक कोलकाता. मैं बंगाली हूँ. हाँ, आज ही मैं अभी कुछ पहले मैं फ्लाइट से आई हूँ तो बहुत लेट हो गया मैंने मुझको, तो मेरा हिंदी ज़्यादा नहीं आती है. मेरा मैं बंगाली में बोलूँ तो ज़्यादा आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल भी सकती हूँ. सो मेरी भी हिंदी थोड़ी वीक है तो मुझे मराठी बहुत अच्छी से आती है. बोलो आप बंगाली, बोलो आप इंग्लिश या हिंदी? मराठी, इंग्लिश. तो यहाँ तक का कैसा सफ़र आपका रहा? मेरा फर्स्ट है या इससे पहले भी आपने कुछ किया? हाँ, मेरे फर्स्ट में मैं कलकत्ता में जो किया सेट जो होता है आदित्या, तो वहाँ पर मैं विनर हुई थी किया सेट में. तो अभी मैं कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही मैंने एफबी में देखा, तो देखकर मैंने फ़ोन टोन किया कि मैं जाऊंगी. मैम को भी रिक्वेस्ट किया कि मैम जाऊंगी, तो मैं कलकत्ता से आई हूँ इसलिए. मैम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बस आना है, आपका इतना इंटरेस्ट है तो बस आ जाओ. थैंक्स टू श्रुति मैम, थैंक यू वेरी मच. कितना डिफरेंट है कलकत्ता और यहाँ का? आपने देखा होगा जो माहौल है, तो वहाँ भी आप कर चुकी हैं. हाँ, डिफरेंट तो है. यहाँ पर जो मैं देखती हूँ, मेरा जो पार्टिसिपेट है, जो मिसेज हुए, ये सब मिस है, ठीक है, तो सब कुछ बहुत मुझे हेल्प कर रही है. अभी जो अभी तक मैं यहाँ पर आई हूँ व बैठी हूँ, सब बहुत मैं हेल्प पा रही हूँ सबके पास में. आप बताइए आपको कितना सपोर्ट है फैमिली का यहाँ तक आने का? सबसे पहले तो मैं मेरे मम्मी पापा का थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, और उसके बाद मैम सर ऑफकोर्स, उन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया, सो आई एम रियली थैंकफुल. एंड आपका फर्स्ट है? नहीं, मैं आईबा में भी थी, सलोनिक्स कॉम्पिटिशन में मेरा अभी 2018 में फर्स्ट रैंक आया इंडिया से, और भी हो गए हैं मेरे शोज. कितनी तैयारी की है ताज लेने के लिए आप? फुल. मैम से क्या सीखा? मैम से तो अभी सीखना है, कॉन्फिडेंस तो सीखा नहीं है, सीखना है. मैं भी वही कहना चाहती हूँ. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहती हूँ कि आई एम नॉट मिस मिसेज. मेरी शादी हो गई है और बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होके
डांसर तो बनूँ, बिकॉज ऑफ बचपन में जैसे मैं डांस करती थी तो मैं इंस्पायर थी माधुरी दीक्षित से. मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है. सो मुझे लगता था कि मैं भी कुछ बन पाऊँ, लेकिन घर वालों का सपोर्ट नहीं था. पापा और मम्मी थोड़ा सा अलग रूट के थे. सो वो बोले कि नहीं, वो नहीं कर सकती तू. तो मेरी बहुत बचपन में शादी हो गई, मतलब 70 ईयर्स की थी तभी मेरी शादी हो गई. बाल विवाह बोल सकते हो. तो शादी होने के बाद फिर मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट की. फिर बाद में मैंने सब छोड़ दिया था. मतलब मैंने बोला अभी कुछ हो नहीं सकता शादी होने के बाद ना. पहले तो मम्मी पापा ने अलाउ किया, तो शादी के बाद हस्बैंड क्या अलाउ करेगा. बट मैं जैसे सोचती थी उससे अलग हुआ. मेरा हस्बैंड मुझे इतना सपोर्टिव, एक्चुअल में मैं उसको हस्बैंड नहीं बोलती, दिस इज़ माय वेरी बेस्ट फ्रेंड. वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझे हर एक मेरी ख्वाहिश पूरी करने के पीछे लगा हुआ रहता है. और मैं भी सोचती हूँ कि अगर उसकी इच्छा है तो क्यों ना मैं भी आगे बढ़ूँ. जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी करने में वो मुझे सपोर्ट करता है. सो मैं तो तैयार हूँ. तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ. मतलब मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम है ये मेरा. और मैडम की वजह से सच में मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं उनको पहले तो गॉड मानती हूँ, बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे ये चांस दिया. सो थैंकफुल मैम. बस कोई एक मैसेज अपनी लाइफ से रिलेटेड लेके, कि जैसे आप कह रही हैं कि फैमिली ने चांस नहीं दिया, हस्बैंड ने चांस दिया, तो यस मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लड़की जिस सोच से उठती है, मतलब बचपन में उसकी हर एक इच्छा रहती है, जो भी सपना देखती है, उसे सपोर्ट करने के लिए हर एक माँ बाप ने पता है कि वो भी जो भी करते हैं उनके लिए वो ग्रेट ही रहता है. उनकी वो जो सोचते हैं वो उनके भले के लिए सोचते हैं. बट मैं चाहती हूँ कि जो वो सोचते हैं उन्हीं में उनका भला होता है, तो क्यों ना माँ बाप भी वही करें बचपन से ही. हाँ, उन्हें आगे भेजें. एजुकेशन तो मिलता है, बट जिस स्कोप से वो आगे जाना चाहते हैं उसे क्यों हम निगलेक्ट करें. तो वो मैं सोचती हूँ और मैं भी खुद मेरे बच्चे को यही सिखाती हूँ कि बच्चा तुझे जो बनना है वो बन, पापा और मैं हूँ. और दूसरी बात ये है कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे सपोर्ट अभी किया है मैरिड के बाद, मेरे हस्बैंड को इंस्पायर होके. आप क्या मैसेज दोगी? आपको तो पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है, बनने वाली. मम्मी पापा का कभी दिल मत तोड़ो, वो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं. तो मम्मी पापा के बारे में हमेशा सोचो तो सब ठीक हो जाएगा. मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते क्या? तो कैसे, सबकी फैमिली रहती है, जैसे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं. अभी हमारे फैमिली में सब मतलब है ऐसे, तो फिर हो जाता है. अच्छा, काम तो आने वाला है आपके सर पे लगता है. तो क्या कहोगी आप अगर क्राउन आ गया? क्राउन आ गया तो धन्यवाद किसको दोगी, थैंक्स किसको बोलोगी? मम्मी पापा ने भेजा है तो पहली तो बात मम्मी पापा को थैंक यू. उसके बाद मैम सर, अरे उन्होंने तो मेन दिया है हमें. उनके वजह से तो हम आते नहीं यहाँ पे. तो ऑर्गेनाइजर का सबसे पहले मैडम, आप इतनी मेहनत करके कलकत्ता से आई हैं, तो आपका कोई. हाँ, आई बिलीव वुमन कैन एवरी स्टेप, आई बिलीव वुमन कैन एवरी मोमेंट एवरी स्टेप. इसलिए मैंने यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझको देखकर और भी औरत व और भी वुमन इंस्पायर हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इतना दूर से इधर आई हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सर पहले आपका नाम जानना चाहेंगे. मेरा नाम शेखर पंचाल है. मैम आपका? या हाँ, स्मृति पंचाल, मिसेस एशिया इंटरनेशनल. एंड एसेस एसोसिएट इज अ कंपनी एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग द ब्यूटी पेजेंट्स. देर इज अ डिफरेंट इन बिटवीन, यू नो, इज अ डिफरेंस इन बिटवीन फैशन शोज एंड ब्यूटी पेजेंट. बिकॉज इन ब्यूटी पेजेंट वी आर, यू नो, इट्स लाइक एनहांसिंग, यू नो, इट्स अ ब्यूटी इन वुमन. इट्स नॉट ओनली द आउटर ब्यूटी बट इवन द इनर ब्यूटी वी आर एनहांसिंग. And this is now our season 3, Miss and Mrs. Apsara India 3. And Shekhar Panchal and me, Smriti Panchal, we are the organizer. He is my best buddy and my husband too. And Shekhar, just tell them about our pageant. Miss and Mrs. Apsara India is a celebration of our womanhood. And we want all the females who have low confidence to
build their confidence and be strong towards their life. And the basic cause of our event is the woman empowerment. We are serving this cause through our NGO, Swavalamban. Next year. Sir, एक शो कराना बहुत मुश्किल काम है. आपने तीसरा सीजन भी चालू किया है, तो कितनी मुश्किलें आई हैं बीच में और किस तरह से आप ये कर रहे हैं? बस चालू किया तो जो भी मुश्किलें आती है हालात, हम वो सब से हैंडल करते हैं. कुछ सीखते हैं कैसे हालातों को हैंडल करना है और आगे बढ़ते हैं. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड वी आर लर्निंग मोर. और क्या क्या प्रोसेस होते हैं सर, जैसे कोई आपके शो में भाग लेना चाहे तो उनके लिए उनको क्या क्या, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए. हम जो प्रोसेस है, हम हिंदुस्तान के बहुत सारे जो छोटे जो टाउन्स है, सिटीज़ है, वहाँ पे ऑडिशंस रखते हैं. वो ऑडिशंस का हम प्रमोट करते हैं उस सिटी में कि यहाँ पे हमारा ऑडिशन है. हम सभी लोगों को, फीमेल है जो मैरिड है, अनमैरिड है, वो लोग वहाँ पे आती है, ऑडिशन लेते हैं. उनको भी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत इंटरेस्ट से आती है, उनको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है. और अपना ऑडिशन देने के बाद उनका सिलेक्शन होता है तो दे आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन आवर पेजेंट. मैम, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे बहुत एजेड महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो जैसे कि वो ताज के लिए आपके पास आई हैं, वो चाहती हैं कि हम मिस अप्सरा बने, अगर आप किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं कि उनको जो है मिस, जैसे कि आप ऑलरेडी मिस एशिया रह चुकी हैं, मिस एशिया, तो उन चीज़ों का ख्याल उनको क्या बताती हैं, आप क्या टिप्स देती हैं? या मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल रह चुकी हूँ और अभी मैं मिसेस वर्ल्ड जोनसबर्ग जा रही हूँ साउथ अफ्रीका 19 सितंबर को. और मैंने जितना भी स्टडी किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैंने देखा है कि लाइक यू नो इट्स वुमन एम्पावरमेंट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ, बिकॉज इज़ द मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड. और इसमें बहुत जगह पर मैंने देखा है कि यू नो इट्स डोमेस्टिक वायलेंस होता है बहुत सी जगह पर, तो हम लोग उसको रोकना चाहते हैं. और मैंने जो स्टडी किया है कि छोटी बच्ची से देके कोई भी एक बड़ी महिला है, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई एक छोटी सी बच्ची रहती है, और उनके अंदर, सब लेडीज लोगों के अंदर एक इनर टैलेंट जो है वो छुपा रहता है. सो वी वांट टू बूस्ट दैट टैलेंट. एंड मैं कहना चाहूँगी कि उनके अंदर जो टैलेंट है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे हम लोग खाली 3 विनर्स नहीं निकालते हैं. विनर होना यानी सब लोग विनर नहीं हो सकते, ओनली द 3 कंटेस्टेंट विल बी द विनर. बट हियर वी आर गिविंग सबटाइटल टू द ऑल विनर, ऑल कंटेस्टेंट. दैट इज द बिकॉज ऑफ हर एक कंटेस्टेंट के अंदर कुछ ना कुछ खूबी टैलेंट जो है वो छुपा है. तो हम लोग उसको अभी 3 दिन में स्टडी करेंगे अच्छे से, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, तो वो हिसाब से हम लोग उनको सबटाइटल्स भी देने वाले हैं. और यहाँ पे जो भी लेडीज़ आई है, इंडिया के हर एक जगह से आई हुई है, तो हर एक की एक अंदरूनी ख्वाहिश है, जो उनके सपने हैं जो बचपन से पूरे नहीं हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म पे चलना चाहती है, वो खुद को एक्सप्रेस करना चाहती है. तो दिस इज़ द गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, दिस इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम. और ये जो है, इससे उन लोगों को मीडिया अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, वो सीरियल में आ सकती है, मूवीज़ में आ सकती है. मे बी दिस इज़ नॉट उनका वो करियर नहीं हो सकता है, उनकी वो हॉबीज़ हो सकती है, लेकिन उनके जो ड्रीम्स है वो पूरे करने की हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे. मैं अभी, मैंने सारे कंटेस्टेंट्स आपके बारे में वर्ड्स लिए, तो वो आपकी स्माइल की बहुत तारीफ कैसे कर लेती हैं आप? सो मैं कर नहीं लेती हूँ, दैट इज़ ऑल माई, दिस इज़ अ नेचुरल स्माइल. और मैं समझती हूँ कि यू नो इट्स अ स्मॉल थिंग्स, यू नो व्हेन यू आर गिविंग स्माइल टू अदर पर्सन, द अदर पर्सन इज ऑल्सो स्माइलिंग टू यू. हम लोगों की लाइफ बहुत छोटी है, और अगर हम एक दूसरे के लिए अगर अच्छे फीलिंग्स रखें तो लाइफ अच्छे से गुजर जाती है. अगर सामने वाला हम लोगों को गुस्से से देखे, जस्ट इग्नोर दैट पर्सन. लेकिन दिस इज़ लाइक यू नो एक नेचुरल स्माइल रहती है, दैट इज़ यू कैन से इट्स माई स्माइल. एज ए हस्बैंड आपके क्या मतलब वर्ड्स रहेंगे मैडम के लिए, कुछ स्माइल को लेकर? किसी के हस्बैंड अच्छे मिलते हैं, नसीब की बात है, तो आप कुछ बताएंगे? इन हाउस स्माइल है, अच्छा लगता है. अच्छा, आगे का क्या प्लान है, मतलब शो होने वाला है आपका? या
देखिए ग्रैंड फिनाले में हम लोगों के जो इनवाइटीज है दे आर द प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इवन सम पॉलिटिशियंस आर देयर एंड ये जो अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा लड़कियों के लिए कंटेस्टेंट के लिए उसमें से कोई लड़कियां जो है वो सीरियल के लिए मूवी के लिए भी चुनी जा सकती है. हम लोग जो विनर्स हैं उस विनर्स को हम लोग एक म्यूजिक एल्बम प्रोवाइड कर रहे हैं. उनका कैलेंडर शूट होगा, कैलेंडर लॉन्चिंग होने वाला है उनका और उनको बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट भी है और हम लोगों उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं. एक बार क्वेश्चन, इतना बड़ा शो मतलब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और क्या उनके लिए आपके पास वर्ड होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं आर्टिस्ट जो हैं यहाँ? शो ऑर्गेनाइज करना इसमें बहुत सारी दिक्कत आती है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और वो हम लोग पूरा मायने रखते हैं कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो. जो भी मुश्किलें आती हैं उनको अच्छी तरह सॉल्व कर देते हैं और हम उसी में पहले ही प्रिपरेशन हमारा ऐसा होता है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए तो हम लोग इतना हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं कि हर चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें कि किसी को प्रॉब्लम ना आए. हम लोग परफेक्शन से ज़्यादा मायने देते हैं. इवन ये 3 दिन जो है यहाँ पे कंटेस्टेंट है उनकी पंक्चुअलिटी कितने है, हाउ देयर बिहेवियर विद अदर कंटेस्टेंट, उनके अंदर जो छुपा टैलेंट है क्योंकि यहाँ पे टैलेंट राउंड भी होने वाला है तो उनके अंदर जो छुपा टैलेंट है उनको हम लोग बाहर लाने की कोशिश करते हैं. दैट टाइम सम मूवीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर विल बी देयर जो सम कंटेस्टेंट इसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं मूवी के लिए और मैं सब कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी और मैं जानती हूँ कि ये सभी कंटेस्टेंट जो है दे आर रियली ब्यूटीफुल एंड दे आर वेरी मच टैलेंटेड. शो कब होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, इसका फाइनल कब होने वाला है? ये ग्रैंड फिनाले जो है ये 1 सितंबर को ITC फॉर्चून वाशी में है एंड यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर दिस शो एंड मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग आए और शो देखें हमारा और हमारे कंटेस्टेंट जो है ये टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल हैं तो आप वो शो को जरूर इंजॉय कीजिए. सर आप सभी को इनविटेशन है, आप आइए हमारा शो देखने के लिए. इट्स ऑन द 1 सितंबर, 1 सितंबर इवनिंग. तो वी वांट यू एवरीवन शुड कम एंड सी द आवर शो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर माय ऑल द ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट्स. थैंक यू. थैंक यू.